दोस्तों साल 2020 इंडिया के सबसे पॉपुलर रैपर बादशाह का एक गाना आता है पागल। इस गाने ने देखते ही देखते व्यूज के मामले में भारत में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस पर एलिजिटली बॉम्बे पुलिस का कहना है कि बादशाह ने यहाँ पे करीब 72 लाख रुपए इस गाने के प्रमोशन में खर्च किए ताकि बहुत कम समय में बड़े व्यूज आ सके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके। हालांकि बादशाह इस पर पूरी तरीके से इनकार करते हैं, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जहां आग लगती है धुआं वहीं पे उठता है। इसका मतलब ये है कि बॉम्बे पुलिस शायद सच ही कह रही थी। इस म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेक चीजें हैं और जहां पे नाम पैसा और मनी कमाना बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है। जी हाँ, मैं नामुमकिन कह रहा हूं। इस वीडियो में मैं वो सारे सच आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा म्यूजिक इंडस्ट्री के, जिससे आप रूबरू नहीं थे, आप बिल्कुल अनजान थे। तो दोस्तों आइए इस म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा सच और बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हमें भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री को समझना है तो हमें इसका पास्ट का बिजनेस मॉडल और जो प्रेजेंट बिजनेस मॉडल चल रहा है ये दोनों समझना होगा, और तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके का लोगों का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। यहाँ सबसे पहले हम म्यूजिक इंडस्ट्री के पुराने दौर को समझते हैं, मतलब वो दौर जब सोशल मीडिया नहीं आया हुआ था। बेसिकली उस समय म्यूजिक बनाने के दो कंपोनेंट हुआ करते थे। सबसे पहला होता था म्यूजिक का कंपोजिशन और सेकंड आता था साउंड रिकॉर्डिंग। इसमें कंपोजिशन का काम राइटर और पब्लिशर का होता था, जिसमें राइटर गाने को लिखता था और पब्लिशर गाने को काम करके उसको कंपोज करता था। जब गाना पूरी तरीके से रेडी हो जाता था तो उसके बाद साउंड रिकॉर्डर की बात आती थी, जहां पे जो भी सिंगर हुआ करता था वो अपने आवाज को रिकॉर्ड किया करता था, और रिकॉर्डेड लेबल्स उस गाने को रिकॉर्ड करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देते थे, जहां से डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती थी गाने को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। डिस्ट्रीब्यूटर उस समय रेडियो पे या फिर टीवी पे गाने को चलवाया करते थे। इसके साथ ही गाने की सीडी भी बना करती थी ताकि वो मार्केट में बिके और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए जा सके। और जब सारे रेवेन्यू कलेक्ट हो जाते थे तब उस समय से डिस्ट्रीब्यूटर अपना परसेंटेज कट करके जो भी प्रॉफिट बचता था उसका 85% रिकॉर्ड लेबल को दे दिया करता था, और बाकी जो 15% बचा करता था उसका पैसा वो राइटर को और इसके साथ ही पब्लिशर को चला जाता था। दोस्तों यहाँ आप समझ रहे होंगे कि राइटर और पब्लिशर के पास तो बहुत थोड़ा सा पैसा आता था और जो मेजर चंक ऑफ मनी होता था वो रिकॉर्ड लेबल के पास चला जाता था। लेकिन फिर समय आता है 21st सेंचुरी का, जब यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना.com जैसे प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आ गए, जो सभी गाने को अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने लगे और वो भी परमिशन के साथ। इसका सबसे बड़ा फायदा इन प्लेटफॉर्म को होने लगा, इसके बाद आर्टिस्ट को होने लगा, और रिकॉर्ड लेबल्स अभी तक सिर्फ सीडी के पैसों पे डिपेंडेंट अब हो गए थे। यानी अब यह दाव बिल्कुल उल्टा पड़ रहा था और रिकॉर्ड लेबल्स के हाथ में अब बहुत ही कम पैसे आ रहे थे, अब आर्टिस्ट ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर चुके थे। ये समय था 2000 का। अपनी हालत बद से बदतर होते देखते हुए रिकॉर्ड लेबल्स ने यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बिल्कुल बद से बदतर आज बना दिया है। एक्चुअली इस प्लान के मुताबिक रिकॉर्ड लेबल्स आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टली डील करना यहाँ पे शुरू कर दिए। इस डील के तहत वो आर्टिस्ट को 4 से 5 करोड़ रुपए देने की बात करते थे, साथ ही वो आर्टिस्ट को उनकी एल्बम्स, उनके टूर्स, उनकी पीआर मार्केटिंग, यानी आर्टिस्ट का हर एक खर्चा वो रिकॉर्ड लेबल खुद ही उठा लेते थे। यानी किसी गाने के रिकॉर्डिंग से लेकर पब्लिशिंग होने तक सारा खर्चा अब रिकॉर्ड लेबल उठा रहा है। एक तरह से गाना बनने का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है अब रिकॉर्ड लेबल ने उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है मार्केट में। आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में यही सिस्टम चल रहा है। इस डील को करने के बाद अब आर्टिस्ट जहां भी अपने गाने को परफॉर्म करता है या फिर जो भी लाइव कंसर्ट या टीवी शोज वगैरह करता है उसमें जो भी पैसा अर्न होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड लेबल के पास चला जाता है, और यहां पे एक आर्टिस्ट को सिर्फ एक फिक्स इनकम प्रोवाइड की जाती है। वैसे फिक्स इनकम सिर्फ कहने के लिए होते हैं, यहां पे भी रिकॉर्ड लेबल अपना दिमाग लगा लिया करता है। आर्टिस्ट के पैसे में से वे खर्चे यानी रिकॉर्डिंग, प्रमोशन एक्टिविटी, सॉन्ग शूटिंग एक्सपेंसेस और टूर और ट्रेवल के नाम पे अच्छे खासे पैसे कट कर लिए जाते हैं, और यहाँ पे ये आर्टिस्ट को पूरी तरह से बैंकक्रप्ट बना देते हैं उस पूरे प्रोजेक्ट में। ये कैसे होता है इस वीडियो में हम अभी और डिटेल में इस पे समझेंगे। खैर आपके मन में अभी ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जब आर्टिस्ट को इतनी बुरी तरीके से रिकॉर्ड लेवल बर्बाद कर दिया करते हैं तो फिर आर्टिस्ट क्यों उनके पास जाया करते हैं, क्यों उनके चंगुल में फंस जाया करते हैं। तो दोस्तों इसको भी समझते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये रिकॉर्ड लेबल्स वाले इतनी चालाकी से अपना जाल बिछाते हैं कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो होता है या आर्टिस्ट होता है वो इनके जाल में आसानी से फंस जाता है, और मिलेनियर व बिलेनियर बनने के ख्वाब में ये आर्टिस्ट आसानी से इन रिकॉर्ड लेबल्स के जाल में फंस जाते हैं। वे बिना डील की जांच पड़ताल किए उसे अच्छे से बिना पढ़े डील साइन कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में अपने प्रोजेक्ट में भुगतना पड़ता है। अब जब डील साइन हो गई तो उसका एल्बम बना लिया जाता है, उसकी सीडीज बना ली जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड लेबल के पास होता है। एल्बम के सॉन्ग को गाना, स्पॉटिफाई जैसे अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चलाया जाता है। कुछ शोज व लाइव कंसर्ट्स भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो इन सब स्ट्रीम्स को मिलाकर मान लीजिए 4 से 5 करोड़ का एक रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लेकिन इतने बड़े रेवेन्यू के बाद भी आर्टिस्ट इस प्रोजेक्ट में बैंकक्रप्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर डील साइन कराते समय रिकॉर्ड लेबल आर्टिस्ट को कहते हैं कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 85% वो खुद रख लेंगे और 15% वो पैसा आर्टिस्ट के पास चला जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे खर्चे के नाम पे जो रिकॉर्ड लेबल हुआ करते हैं वो आर्टिस्ट के नाम पे सारे खर्चे का ठीकरा फोड़ देते हैं, जिसमें अगर 5 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है तो वहां से 1 से 1.5 करोड़ रुपए आर्टिस्ट को यहाँ पे पे करने होते हैं।
अब आर्टिस्ट को यहाँ पे टोटल कट मिल रहा होता है 15% का, तो 5 करोड़ में उसको सिर्फ 75 लाख रुपए मिलेगा। इसका मतलब है कि वो 50 लाख के आसपास वो यहाँ पे डेट में चला जाता है। अब या तो वो अपने पॉकेट से वो पैसे को भरे या तो फिर वो उनके साथ नेक्स्ट डील में पार्टनरशिप करे। तो मोस्टली जो रिकॉर्ड लेबल्स हुआ करते हैं वो इसी तरीके से अपने ट्रैप में फंसाते हैं। यहाँ ज्यादातर आर्टिस्ट अपने ऊपर से कर्जे हटाने के लिए रिकॉर्ड लेबल की बात मान लिया करते हैं और उनके साथ वो नेक्स्ट एल्बम में साइन कर लिया करते हैं। आर्टिस्ट फिर एल्बम बनाता है और फिर उस पर कर्जा और बढ़ जाता है, कर्जे पे कर्जे बढ़ते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब आर्टिस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है मार्केट में। दोस्तों ये हाल म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ आर्टिस्ट का ही नहीं है, राइटर्स की स्थिति इनसे और ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि आर्टिस्ट को तो हम याद रख लेते हैं लेकिन राइटर का द्वारा लिखा हुआ गाना हमें किसी राइटर का नाम नहीं पता होता है, राइटर्स को कभी भी फेम नहीं मिला करता है। फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, राइटर्स का हर जगह सेम ही किस्सा आपको देखने को मिलेगा। फेमस कैनेडियन सिंगर है जस्टिन बीबर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका एक सॉन्ग है एज लॉन्ग एज यू लव मी, इसको दिसंबर 2012 में लॉन्च किया गया था। इसके करीब 22 लाख से ज्यादा कॉपीज मार्केट में बिकी थी। इसको YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आए थे लेकिन इस सॉन्ग के राइटर एंड्रयू लिंडल को इस सॉन्ग के लिए YouTube रेवेन्यू में सिर्फ 16,000 रुपए ही दिए गए थे। वेल, अगर आपको ये बात शॉकिंग लग रही है तो मैं बॉलीवुड का भी एक आपको किस्सा बताता हूँ। साल 2010 में एक मूवी आई थी दबंग नाम की। इस मूवी में गाना था मुन्नी बदनाम हुई। इस गाने ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया था लेकिन अगर मैं इसके कंपोजर का आपको नाम पूछूं तो आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, इस गाने के जो कंपोजर थे वो ललित पंडित थे। और जो शॉकिंग बात यह है, इस गाने के कंपोजिशन के लिए ललित पंडित को 1 रुपए भी नहीं दिया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ललित पंडित को इस गाने के लिए कोई पैसे नहीं मिले थे उनके कंपोजिशन के लिए। दोस्तों यही इस म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड सोच रहा है कि वो आर्टिस्ट बन जाए, म्यूजिक राइटर बन जाए, तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा घालमेल हो जाता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। आप अगर कमाने जाएंगे तो आपके आगे पीछे जो रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर लिया करेंगे। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अपना एक बड़ा नाम बनाने के लिए, अरिजीत सिंह जैसा। दोस्तों इंडियन आइडल और द इंडिया वॉइस जैसे शोज के जज रह चुके फेमस सिंगर कंपोजर सलीम मर्चेंट भी बॉलीवुड पे इस मनमानी पे अपनी पूरी बात रख चुके हैं। सलीम मर्चेंट ने एक इंटरव्यू में कहा था, आज सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि कंपोजर भी इस म्यूजिक इंडस्ट्री के इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कई रिकॉर्ड लेबल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने गिने चुने म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स को अपने यहाँ काम पर लगा रखा है और ये लोग सिर्फ उनसे ही काम लिया करते हैं, जो कि सीधे सीधे मार्केट की एक पार्शियलिटी है। Those 4-5 labels that are, you know, basically, they basically decide as to who needs to work and who needs to be, you know. सलीम यहाँ आगे भी कहते हैं कि कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि उनके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन जब बात रिकॉर्ड लेबल्स की आती है और उनके शर्तों की आती है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स सब पीछे हो जाया करते हैं। दोस्तों सलीम मर्चेंट की इस बात को सुनकर आपको थोड़ा यकीन होने लगा होगा इस काले सच के बारे में जो कि रिकॉर्ड लेबल किया करते हैं। यहाँ कई सारे बड़े आर्टिस्ट भी अपना सॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस करने की बजाय रिकॉर्ड लेबल्स के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रिकॉर्ड लेबल के पास वो पावर है जो कि गाने को किसी न किसी तरीके से हिट करा सकता है। उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे मार्केटिंग आइडियाज हुआ करते हैं लेकिन कई बार आर्टिस्ट के ये फैसले के बाद उनके लिए गले का फंदा बन जाता है। सेप्टेम्बर 2020 में केन वेस्ट ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैमी अवार्ड को अपने घर के कमोड में डाला था और उसके ऊपर वो पी कर रहे थे। जी हाँ, ये ग्रैमी अवार्ड जिसे आज पाना हर सिंगर का सपना हुआ करता है, केन वेस्ट ने किस फ्रस्ट्रेशन में इतना बड़ा कदम उठाया, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उस समय केन वेस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल रॉकफेलर को साइन किए हुए थे जो कि उनके गले का बिल्कुल फंदा बन चुका था और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपने ग्रैमी अवार्ड को भी इस तरीके से फोटो में करके दिखाया था और इसके साथ ही उन्होंने जो इस म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको भी उन्होंने पब्लिक किया था। दोस्तों ये उस इंसान की कहानी है जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ है। इसके पीछे केन वेस्ट का बस इतना सा मकसद था कि रिकॉर्ड लेबल की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। लेकिन दोस्तों इनका सच कितना भी सामने आ जाए, रिकॉर्ड लेबल्स ने इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा पकड़ के रखा है कि हर आर्टिस्ट को मजबूरी में इनके पास जाना ही होता है। एज एन एग्जाम्पल, आप बादशाह के साल 2020 में सॉन्ग आए घर से दूर को ले लीजिए। ये बादशाह का इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस सॉन्ग था लेकिन शायद ही आप में से बहुत कम लोगों ने इस गाने को सुना होगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं मिल पाई क्योंकि ये इनका सेल्फ प्रोड्यूस सॉन्ग था उस समय। लेकिन वहीं अगले साल बादशाह का एक और गाना आता है पानी पानी। ये गाना आप सबको याद होगा क्योंकि इसे रिकॉर्ड लेबल ने मार्केट किया हुआ था। वैसे म्यूजिक लेबल्स के बारे में कई बार कई सारे सिंगर्स भी आके बाहर बोल चुके हैं जिसमें सोनू निगम भी एक बड़े नाम हुआ करते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए इस बात को शेयर किया था और म्यूजिक इंडस्ट्री के रिकॉर्ड लेबल्स की पोल खोली थी। इस वीडियो में सोनू निगम ने इंडिया के लार्जेस्ट म्यूजिक लेबल टी सीरीज के कर्ता धर्ता भूषण कुमार पर भी पार्शियलिटी का आरोप लगाया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये बहुत दिन दूर नहीं है जब बहुत सारे आर्टिस्ट आपको सुसाइड करते हुए मिल जाएंगे। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है
एक एक्टर मरा है, कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। एक्चुअली सोनू निगम ने ये अपना वीडियो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से अलविदा कहने के बाद शेयर किया था। वैसे अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अरमान मलिक ने बियर बाइसेप्स के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि ऐसे इंडिया में कई केसेस हैं जहां में इंडिया के प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं उनको गाना गाने के लिए पैसा नहीं मिला करता है। आप जाके वो पॉडकास्ट भी रणवीर का देख सकते हैं। वेल दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी आर्टिस्ट आज के समय में म्यूजिक रिकॉर्ड करके पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि वो इवेंट्स में जाके या टीवी शोज में जाके वहां से जो पैसे मिला करते हैं उनकी पब्लिसिटी के नाम पे उन पैसे को अपने कमाई का वो एक साधन बनाते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और थोड़े बहुत ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, आज मैक्सिमम लोगों के कन्वर्सेशन का 80% हिस्सा गॉसिप होता है। और मैं आपको बता दूं, समय के साथ 95% रिकॉर्ड लेबल्स इसी फैक्ट का फायदा उठाया करते हैं। वे अपने सॉन्ग को पब्लिश करने से पहले सॉन्ग के आर्टिस्ट से जुड़े रूमर्स फैला देते हैं। ऐसे में जब ये रूमर्स उस आर्टिस्ट से रिलेटेड आते हैं तो वो मार्केट में काफी ज्यादा हाइप बन जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे कि हनी सिंह का हाइप काफी ज्यादा मार्केट में धीरे धीरे बनता जा रहा है। वो अलग अलग पॉडकास्ट में आते जा रहे हैं क्योंकि अब हनी सिंह को रीलॉन्च अपने आप को करना है। तो हनी सिंह तो अभी सेल्फ अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स ये काम हमेशा किया करते हैं। जब भी कोई गाना आने वाला होता है उससे पहले आप ये चीज मार्केट में देख सकते हैं, उनके खिलाफ रूमर्स आ रही होंगी, तो वो सब एक पब्लिसिटी स्टंट होती है। ये बात सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, ये बात हॉलीवुड में भी देखी जाती है। जैसे कि सेलेना गोमेज से रिलेटेड भी एक रूमर मार्केट में आया था, जिसमें कहा गया था कि सेलेना गोमेज ने अपना सॉन्ग लूज यू टू लव मी को जस्टिन बीबर के लिए लिखा था। लेकिन जब आप इस सॉन्ग के राइटर का नाम अपने ब्राउजर में जाकर सर्च करेंगे तो रिजल्ट आप खुद ही देख के चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये गाना कई सारे राइटर्स ने मिलकर लिखा था, ये एक इंसान ने नहीं लिखा था ये गाना। और अगर इस तरह की र्यूमर्स मार्केट में नहीं आएंगी तो इन पे मिलियन व्यूज नहीं आएंगे और पैसा नहीं बनेगा। दोस्तों, इसके अलावा रिकॉर्ड लेबल्स अपने सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक और गूगल ऐड का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने एड्स रन करवाते हैं ताकि उनके सॉन्ग के रीच बढ़ सके। सिर्फ रिकॉर्ड लेबल ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कई ऐसे सिंगर्स भी हैं जो जानबूझकर दूसरे सिंगर को रोस्ट करते हैं और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि उनका नाम थोड़ा हाइप पे आ जाए और उनके गाने की पब्लिसिटी मार्केट में होती जाए। अभी इस समय आपने कई बार बादशाह और हनी सिंह के बारे में भी देखा होगा ये टसल। ये टसल इसीलिए की जाती है कि हाइप मार्केट में क्रिएट हो और दोनों के गाने चलें। मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप एमी वे बंटाई और आप रफ्तार के बीच में भी एक ये टसल देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच में कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी, जिसमें एक बैटल छिड़ी हुई नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को जम के रोस्ट किया था कई सारे पॉडकास्ट और कई सारे गानों में। इसको पब्लिक ने भी काफी ज्यादा सीरियसली फॉलो किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे केसेस में होने वाले ज्यादातर फाइट्स बिल्कुल फेक हुआ करते हैं। ये सिर्फ एक मार्केट में रहने का तरीका है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि जब कोई नया सॉन्ग आता है तो सॉन्ग को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑटोमेटिकली ऑडियंस इतना र्यूमर्स को फॉलो करती है कि वो सॉन्ग को भी फॉलो करना शुरू कर देती है। दोस्तों, हाल फिलहाल में फेमस सिंगर कुमार सानू ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में होने वाली एक धांधली को पूरी तरीके से खोला था। ई टाइम्स के एक इंटरव्यू में जब कुमार सानू से सवाल किया गया कि क्या वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके कुछ सुधार करना चाहेंगे, तो इस पर कुमार सानू ने जवाब दिया था कि आज इस इंडस्ट्री में अच्छे कंपोजिशन, सॉन्ग व अच्छे एक्टर्स की काफ़ी कमी है। इंडस्ट्री के सिंगर्स टैलेंटेड है लेकिन उनका टैलेंट का सही यूज नहीं किया जा रहा है, ये कुमार सानू ने कहा था। इसके अलावा सानू ने यह भी कहा था कि अब यहाँ पे एक्टर्स तय करते हैं कि उनके फिल्म में गाना कौन गाने वाला है, बल्कि डायरेक्टर्स ये तय नहीं करते हैं। वेल दोस्तों, कुमार सानू की बात कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सच को रिवील करती है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो रूमर्स उठा करते हैं या जो म्यूजिक इंडस्ट्री की जो सच्चाई है उसमें आपको कितनी रियलिटी दिखाई देती है? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट ऑप्शन में शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को आप उन हर दोस्तों के साथ शेयर करिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर जो राइटर बनना चाहते हैं, ताकि उनको एक नया सच समझ में आ सके जिससे वो शायद रूबरू ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं हमारा।